देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? आप कैसे लग रहे हैं? ओए हाय हाय, मैं तो ठीक लग रहा हूँ। आप लोग सुनाइए, खैरियत से हैं? चले तुसी सुना दो जैसी चौपा। मफलर माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। मफलर नहीं, लेकिन आप जो लग रहे हैं ना आज, ओए होए। इंग्लिश फिल्म सब तो पिलेड़ा बंदा नहीं फौत होता, वो लग रहे हैं। सही कहा उसने, इंग्लिश फिल्म यानी, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर कोई इस तरह की होती हैं कहानियाँ जिसके अंदर सड़क पे रात को धुंध के अंदर जा रहा होता है एक आदमी इस ड्रेसिंग में और उसका कत्ल होता है और उसकी कहानी होती है फिर। अगर उनके कपड़े देखिए आप, कैसर साहब। सर अमेरिका तो आए ने, मुबारकबाद दे। अमेरिका से? हाँ जी। अच्छा, पिछले दिन अमेरिका सन सर। अच्छा, बड़ा इंजॉय किया, इशारियां ते पैसे इकट्ठे किए। अमेरिका तुम वैसे गए, कैसा लगा तुम उसे जाके? हाँ, लेकिन फ्रीजिंग इतनी थी कि बाहर निकले को दिल ही नहीं करता। उसे इन्नी बर्फ पई है, वो गोले बना के बेची जाते। लेकिन सर बहुत ठंड थी, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं ठंड की वजह तो रजाइयाँ लुके। बल्कि लोग अमेरिका वाले इन्होंने वेखना है, वेखो ठंड की वजह तो बंदे का की हाल हो गया। यूएसए वाकई हमसे 400 साल आ गया सर। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, पहन एडी लम्मी फ्लैट है, यकीन करो मैंने लगे 6 महीने हो गए मैं जहाज रहना। तो बच्चा चौथी दिन किताबा पढ़ रहा, जो उतरिया तो अच्छे 10वीं दिन किताबा। सर बहुत लंबी फ्लाइट, बोर हो जाता है ईमान से। ये पायलट है ना, नो आके कहता ठाकुर साहब मैं थक गया जरा 2 घंटे जहाज से चलाना। लीजिए मैं बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, मॉडल भी हैं और साथ साथ डेंटिस्ट भी, डॉक्टर तानिया हबीब। उनके साथ देने के लिए मेरे दूसरे मेहमान मॉडल एंड एक्टर अली कुरैशी। वेलकम टू द शो जी। मुझे अली भाई को देख के फील हुआ है कि आप जिस बिल्डिंग में जाते होंगे सबसे पहले वाईफाई के सिग्नल आपको आते होंगे। एक शेर में लाया हूं सर आपके लिए। एक्टर मॉडल अली कुरैशी आज हमारे मेहमान हैं, जो फैशन मॉडल हैं और इनके पहलू में तानिया हबीब है इनका नाम, लेकिन हैं ये माहे तमाम। जिंदगी में बहुत गम सहा हूँ, अंदर ही अंदर आंसुओं में बहा हूँ। आज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे वासे, फेसबुक पे सच्चा प्यार ढूंढ रहा हूँ। अली क्या हाल है आपके? I'm good, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। आप शो से वाकिफ हैं? बिल्कुल। जबरदस्त, तो आप खुल के जो मर्जी चाहे इनको कहें। आपने जो गद की बात की, पखे निकाल तुसी भूल गए हो, पखे साफ कर लेने। ओ तुसी कारजू लेने। अली वैसे माशाल्लाह हाइट कितनी है आपकी? 6'2" 6'2" जी। और उसके साथ साथ पता चल रहा है इमारत को देख के कि इस पे बहुत ज्यादा काम भी होता है, तो ये जिम शिम कब से चल रहा है? 16 साल से कर रहा हूँ कंटिन्यूस। 16 साल से कर रहे हैं जी। यानी घर गए ही नहीं आप? नहीं जाते। बीच में घर भी जाते हैं? बिल्कुल, कभी कभी। 16 इयर्स से आप जिम ही कर रहे हैं? और इट्स अ लाइफस्टाइल, ये ऐसा तो नहीं कि आप एक महीना करें। और ये कितनी बार आप करते हैं? एवरीडे 70-60 मिनट्स। एंड फॉर 5 डेज और 6 डेज? 6 डेज। 6 डेज इन अ वीक, हर रोज 1 घंटा आप निकालते हैं? बिल्कुल। और ये बड़ी जबरदस्त बात है, और वैसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मगर नजर भी आ रहा है कि ये जो मेहनत हो रही है। बप्पी लहरी साहब ने इनकी मोहब्बत भी बड़ी सी, जाते जाते एक चैन इन्हों भी दे गए। डॉक्टर साहब आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप भी कोई ऐसी मेहनत करती हैं ऐसा दिखने के लिए या नहीं? मैं पानी बहुत पीती हूँ, दैट्स माय वे। पानी क्यों में जा जा के बेचारा हशर हो गया उनका, 16 साल से आप पानी पी के काम चला रही हैं। आपने कह दिया मैं भी रोटी छोड़ दी सिर्फ पानी पीना। तानिया कितना पानी पीती हैं आप? Almost 2 liters. 2 liters पानी पी रही हैं और उसी से काम चल रहा है? हाँ। बल्कि कार वाले ने ना दे लागे पंप लाता जो मर्जी सारा। I don't gain a lot of weight, तो मैं जो चाहूँ खा सकती हूँ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको मजीद बेहतर करने के लिए मैं पानी पी लेती हूँ, ल्यूकोम वाटर, और अच्छा लाने चल रहा है। डॉक्टर साहब अगर मैंने वेट करना हो तो क्या मुझे भी पानी पीना पड़ेगा या नहीं? आपको फिर मैं इंजेक्शन लगाऊंगी।
फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन लगाएंगी जी. इंजेक्शन किस चीज का? फैट डिसॉल्विंग के लिए होते हैं. फैट डिसॉल्विंग जी, उससे फर्क बहुत आता है. अच्छा जी, आपका क्लिनिक किधर है? इस्लामाबाद. इतनी दूर एक टीका लगवाने ले जाए. आप सुनो, वो तुम्हें मतलब की बात बता रही है. ये फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन होता है कोई? जी, इट्स बेसिकली एन एंजाइम जो आपकी बॉडी में हम इंजेक्ट करते हैं और फिर वो आपके फैट सेल्स को किल करता है. और आप अगर मजीद पानी पिए तो फिर वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो लोग उसे डबल शिन, आर्म्स, थाइस, लेग्स, बैक फैट, सब हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं. ओए होए होए, तो ये आप खुद तो नहीं कभी लगाया होगा? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है अभी. वही ना, आपको और ये इनको तो नहीं लगना बनता? इनको भी नहीं लगता. मैंने ना पहला इंजेक्शन लोना थे, मैंने रिएक्शन हो जाना थे ना, मैंने भी चेक ही किया था. मैं इस चीज़ से इतफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको प्रॉपर एक डाइट करनी चाहिए. आप बेशक 2 घंटे जिम करते हैं डेली, मगर आपकी डाइट ठीक नहीं है ना, तो नथिंग कैन हेल्प यू. ये इंजेक्शंस वगैरह, आप 1-3 महीने डाइट करें प्रॉपर तरीके से और वर्कआउट करें, यू विल बी अ चेंज पर्सन. और आप प्रॉपर अपनी ये 16 साल से डाइट भी कर रहे हैं साथ? डाइट तो जरूरी है. नॉट जस्ट कि ये फास्ट फूड तो जो हमारा बेड़ा गर्क करने की सलाहियत रखता है वो तो रखता ही है, वेदर इट्स बर्गर्स और पिज्जा और एनीथिंग, मगर पाकिस्तानी खाने भी माशाल्लाह कुछ कम नहीं है. बहुत ज्यादा जो हमारे देसी खाने हैं उसके अंदर भी जिस तरीके से खास तौर पे वो बनते हैं वो काफी है आपका काम तमाम करने के लिए. खाना खुद बनाता हूँ अपना. अच्छा, खाना खुद बनाते हैं? घर का खाना नहीं मैं खाता हूँ, मैं खाना खुद बनाता हूँ. और आप क्या शौक से बनाते हैं? चिकन एंड फिश और सैलड बहुत ज्यादा. अच्छा भाई, एक ब्रेक लो, इन्होंने कोई बनाइए तो सही. ये तो अलग से. हाँ, मैं बना सकता हूँ, मसला नहीं है सर. नहीं नहीं, लेकिन मेरा खाना आप खाएंगे नहीं, क्योंकि आपको ऑयल वाला खाना पसंद है, ग्रेवी वाला खाना ज्यादा. तुसी विच ग्रीस पाउंदे? नहीं नहीं, मैं ग्रीस, मैं ऑयल यूज करता ही नहीं हूँ. क्या करते हैं? ऑयल यूज ही नहीं करते आप? मैं एयर फ्रायर यूज करता हूँ. एयर फ्राइंग यूज करते हैं भाई वो? एयर फ्राइंग जी, आपको पता है एयर फ्राइंग? नहीं सुने कभी? नहीं सुने नहीं है कि वे दस दे. तुसी भी थोड़ी देर तो सुने जो तो मॉडल हो जाए. अली भाई, ताड़े वर्गे बच्चे घर सिर्फ जेदी करते हैं, मैंने नहीं पता जो ईद मैं पापड़ खाने हैं. नहीं, नहीं, मैं तो बचा नहीं. अच्छा, वो नहीं, मगर आपको जानना चाहिए एयर फ्राइंग. एयर फ्राइंग है क्या वैसे? एयर फ्रायर होता है एक इलेक्ट्रिसिटी टाइप हीटर होता है, उसके अंदर ही वो अपना जो वाटर जनरेट करता है जो भी आपके चिकन. जिस तरह आप ये बेसिकली जो फ्राई करके नहीं आप चिकन वगैरह खाते, वो तेल के अंदर फ्राई करने के बजाय हवा से फ्राई होता है. ओह माय गॉड, ते छत ते बैठ के बनाना पैंदा है. हम ट्राई करेंगे क्योंकि मैंने फिल्में वगैरह करनी है, तो इसलिए वो वेट थोड़ा सा ना मैंने करना है. बेहतरीन, आज आपके लिए दोनों मेहमान आए हुए, एक आपको जिम वाला तरीका बता रहे हैं, दूसरा आपको वो अपना वाला तरीका बता रही हैं. वो तो बड़े प्यार ना कर रहे हैं, एक इंजेक्शन लगाना, बाद चो पता लगे 7 लाख का एक इंजेक्शन. इंजेक्शन बता रही हैं आपने, अगर इंजेक्शन 5 भी लगवा लिए फिर भी आपने घर के परांठे और आलू वगैरह खाने तो फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा. और ये आप ये भी बताती हैं साथ इंजेक्शन के बाद कि आपने ये नहीं खाना? पहले हम काउंसलिंग करते हैं. कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको वाकई में जरूरत होती है, जेनेटिक होता है, दे कैन नॉट लूज इट इवन इफ दे स्टार्व देमसेल्व्स. जिम भी जाती हैं, सब कुछ करती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी रखा होता है. फिर हम उनको थोड़ी सी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि व्हाट आर द रियलिस्टिक रिजल्ट्स यू कैन एक्सपेक्ट एंड व्हाट आर द लाइफस्टाइल चेंजेस दैट यू हैव टू मेक. जैसे कि अली ने कहा कि अगर वो बर्गर्स भी खा रही है तो इट्स नॉट कैन अफेक्ट, क्योंकि ये फैट सॉल्विंग स्टबन फैट के लिए होती है बेसिकली. सो टुगेदर विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल विद द राइट हैबिट्स एंड वेयर यू नीड अ पुश, जहाँ आप डीमोटिवेट हो जाते हैं ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाता है अगर आपकी डबल चिन नहीं जा रही है, स्पेशली फॉर वुमेन आई बिलीव. तो उधर फिर हम एक पुश देते हैं एंड इट वर्क्स, और टुगेदर देन यू कैन मेंटेन लाइक a good body, you look nice, you feel confident. और मैम उसका कोर्स होता है या एक आधा इंजेक्शन बड़ा? असर डिपेंड करता है. देखिए, अगर आप तो पतले से हैं, आपको कम तो मुझे मैं क्या डिपेंड करेगा? अब ख्याल से इनको कितने की जरूरत होगी? कहाँ पे आप पतले ज्यादा होना चाहेंगे? मैं जी कानों बड़े हो गए ना मेरे तो पतले. अच्छा, वैसे वेस्ट में कानों की भी प्रोसीजर्स होते हैं, पर मैं वो नहीं करती. आई थिंक आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे हैं, आपको ऐसे जरूरत नहीं. मैं चाह रहा हूँ कि वेट जिस तरह मेरा है तकरीबन 84 है अभी. अच्छा, मैं चाह रहा हूँ 70 हो जाए, पेट थोड़ा सा कम हो जाए, मेरे 29 पैक बन जाए. उसके लिए फिर आप इनकी वाली साइड पे जाएंगे ना, आप जिम जाके पैक्स बनाएं. तो आप कैंची टाइप हो पे लेकिन मैं चाहता हूँ कि कितने इंजेक्शन मुझे लगेंगे तो थोड़ा सा मसल पेट कम हो जाए. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ. पहले मुझे उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, मैं देखूँ पेट के हालात. इतने लंबे पै जाएं जी मैं उनको बात नहीं करूँ पर इतने नहीं होंगे. मगर आपके ख्याल से सिर्फ पेट या वैसे जनरली ये फैट रिडक्शन वाले ही इंजेक्शन होंगे या और कोई इंजेक्शन का भी मार्जिन मौजूद है?
वो फिर मैं इनकी कंसल्टेशन करके नहीं, मगर कुछ आपको अंदाजा तो वैसे एक मेन का फेवरेट ट्रीटमेंट हाइफू होता है, लाइक मेन लव दैट हाइफू हाइफू हाई इंटेंसिटी कुंग फू का भाई है हाइफू जी, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड होता है बेसिकली, लड़कों को ये बहुत अच्छी लगती है क्योंकि अच्छा, हम तो इसमें फिर नहीं है जो नहीं मेन आप men, अच्छा बंदे भी कहे ना फिर आप ये कह रहे हैं बुजुर्ग लड़कों को अच्छा तो हाइफू जो है वो बहुत अच्छी जॉ डेफिनेशन करता है, जॉ डेफिनेशन आपकी बहुत जबरदस्त हो जाएगी हाइफू के बाद। हाइफू की तो चलो समझ आ गई है, अगर जॉ डेफिनेशन क्या है ये भी दसो ना, मैं भी नहीं तानू इत्थे पाया और वासे भाई सिर्फ तानू इंग्लिश होंदी ते इत्थे बैठे, नहीं ते तुसी भी इत्थे खजल हो रहे हो। वेलकम बैक टू गपशप जी अरीज। अली आप एक सुपर मॉडल हैं और रिसेंटली आपको बेस्ट मेल मॉडल का भी अवार्ड मिला था, मॉडलिंग के लिए आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? एक लड़का था जहान खालिद, ही वाज अ वेरी गुड मॉडल। इंस्पिरेशन आपको हर जगह से मिली रही होती है बट वो पाकिस्तान का था तो ही वाज अ वेरी गुड मॉडल। और ये जहान खालिद अब कहां होते हैं? ही लेफ्ट द मॉडलिंग, छोड़ दी मॉडलिंग, 5 साल हो गए आपको इंस्पायर करके उन्होंने छोड़ दिया बस। अच्छा मॉडल था, वी यूज्ड टू लुक अप एट हिम। उन तुसी भी छोड़ दियो, मैं भी तड़ इंस्पायर होना चाहना। लेकिन हर चीज की एक टाइम होता है, एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल, तो मेरा टाइम भी जब आएगा तो फिर हो ही जाएगा इंशाल्लाह, मैं भी कोई रिप्लेस कर ही देगा लाजमी बात। मगर वैसे ये एक होता है अली कि बड़ा मॉडलिंग में देयर इज अ सर्टेन टाइम लिमिट जहां पे आप कर पाते हैं, उसके बाद ये ब्रांड आपको कितना यूज करेगा। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह में सब ब्रांड्स की हैं, दो दो बार की हैं, बहुत बार की हैं, 5-5, लेकिन वो ब्रांड भी एक चाहता है कि नया फेस आए, तो हमने जिसको रिप्लेस किया है तो जाहिर बात है कि हमें भी कोई रिप्लेस करेगा। तो मैं इस चीज़ पे हमेशा बिलीव करता हूँ कि एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल। ये कट थ्रॉट बिजनेस है, काफ़ी लोग होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मुझे काम नहीं मिल रहा, तो एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल। मगर ये आपको मेंटली रेडी होना चाहिए और साथ अपना को काम होना चाहिए कि आप अपनी मॉडलिंग करें। मॉडलिंग को आपको कभी भी प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए, पैसे हैं, पैसे बहुत हैं इसमें। मगर क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी एक टाइम तक आप उसको प्रोफेशन बना सकते हैं? बिकॉज दुनिया में तो मॉडलिंग बहुत प्रोफेशनली डील होती है, सो मे बी जिस तरह कई प्रोफेशन होते हैं उनकी एक टाइम एज लिमिट होती है कि उस टाइम तक से, इवन विद स्पोर्ट्स, लाइक आप कुछ स्पोर्ट्स हैं जो कि आप बिल्कुल यू नो आप अपने लेट 30s में आके मिड 30s में लोग छोड़ देते हैं, मगर उस टाइम तक तो उसको बहुत प्रोफेशनली डील किया जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने ख्याल किस तरह रखते हैं। मुझे 8 साल हो गए हैं तो सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होता, हमें अच्छी हैबिट्स रखनी पड़ती हैं, सिगरेट सब चीज़ों से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि आप दिखते कैसे हैं आपको सर्वाइव करना पड़ता है। तो जब तक आप अच्छे दिख रहे हैं ब्रांड्स विल टेक यू, एज सून एज यू आर ऑफ द ट्रैक देन आपको पता ही है फिर क्या होता। वैसे तानिया, डू यू थिंक कि आप लोगों को भी ये एक चीज़ फेस करनी पड़ती है विद मॉडलिंग एंड विद इन्फ्लुएंसिंग एंड ऑल दीज न्यू एज काम के तरीके निकल आए हुए हैं, इसके अंदर भी ये चीज़ प्रिवेल कर सकती है? आई फील लाइक डॉक्टर तो आप सारी जिंदगी के लिए जी, लेकिन उसमें भी एट एवरी मोमेंट वी आर इवॉल्विंग, हम अभी भी बैठे हुए इवॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आप पीछे रह जाएंगे तो डेफिनेटली आपको फिर रेस से आप बाहर हो गए, पर आपने साथ साथ चलना है। अब जैसे जेन जी आ गई है तो उसके साथ हमने उसके साथ चलना है। कुछ उनकी चीज़ें शुरू में मुझे बहुत अजीब लगती थी, बट दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम मॉडलिंग एज आई एम, सो आई हैव टू बी इन इट। सेम इन रिगार्ड्स टू माई क्लिनिक, माई क्लोथिंग ब्रांड जो चल रहा है, मुझे उसके साथ इवॉल्व करना है। शायद मेरी पर्सनल चॉइस उससे बहुत मुख्तलिफ हो, पर कहीं ना कहीं मुझे मिड वे मीट करना है। आई एम कॉन्स्टेंटली स्टडींग क्योंकि मुझे नए प्रोसीजर्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि मैं रेस के साथ चल सकूँ। लेकिन आपकी पर्सनल जो चॉइस है वो मुख्तलिफ नहीं होगी, आप बता दें सामने बैठी है। नहीं, जैसे मैं एज अ पर्सन मेरी क्लोथिंग चॉइस थोड़ी ट्रेडिशनल है, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स दैट आई सी आर वर्किंग वुमेन ऑफिस, दे लाइक वेयरिंग कोट्स, बैगी सूट्स और इस तरह, वो मेरी चॉइस नहीं है। बट अभी मैंने अपने ही ब्रांड का आउटफिट पहना हुआ है, ये फिर भी सिमिलर है टू व्हाट आई लाइक टू वेयर। मुझे बेसिकली देसी कपड़े अच्छे लगते हैं, पर अब मेरी जो क्लोथिंग लाइन है उसमें बहुत से ऐसे हैं जो नॉर्मल जो जेंजी है उसको अट्रैक्ट करेगा, तो थोड़ा सा मैंने खुद को इवॉल्व किया, उनकी चॉइस को माइंड में रखते हुए लिया, क्योंकि मैं सिर्फ पैसे नहीं कमाना चाहती, मैं अपनी एक आइडेंटिटी भी बनाना चाहती। बहुत प्यारी हैं जिस तरह, तो मेरे लिए अगर आप ड्रेस बनाए तो किस तरह आप हर चीज़ में अच्छे लगेंगे, मैं आपके लिए बना दूंगी। क्या बनाएंगी? शेरवानी। थैंक यू मेहरबानी। कुल्ला भी बनाती हूँ। ठीक है ठीक है। हजारा में उसको गाना कहते हैं जो हाथ में पहनाते हैं भाइयों को, मैं आपको गाना पहनाऊंगी। अली भाई तुम गाना पहन लो। मैं पहन लूं? क्या बात, नहीं तुम चैन पाई। मुझे कोई जल्दी नहीं, आपकी तरह हर जगह शादी शादी शादी, मैं मेरी शादी हो चुकी है। मुझे आपकी हो चुकी है? जी जी, मेरी शादी हो चुकी है। माशाल्लाह, मेरी बेटी भी है। ओह माशाल्लाह। एंड हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? 2 साल हो गए। 2 साल। मेरी जो वाइफ है अरेबिक है,
अरबिक है वो, तो आपको अरबी आती है? नहीं मुझे नहीं आती, हम कम्युनिकेशन जो है इंग्लिश में करते हैं। शी इज नॉर्वेजियन लेबनीज। अच्छा नॉर्वेजियन लेबनीज जी, ठीक है। ये चेन अपने पैसे दी ली या ससुराल वालों आई थी? नहीं गिफ्ट ही आते रहते हैं, तो ये सब गिफ्ट के पहना हुआ मैंने। अच्छा गिफ्ट सारा गिफ्ट, क्या सब गिफ्ट का? अब आप हमारा दिल खराब करने वाली बातें कर रहे हैं। फिर आपको बहुत गिफ्ट मिलते हैं, छोड़ दें। नहीं ये वाले नहीं आते कभी। तानिया जी मैंने सुना हबीब बैंक जो आपके दादा बू का था। तानिया हबीब लिखा तो है, ये देखिए। वो बचपन में शायद मैं भी सोचती थी लेकिन ऐसा नहीं है। आप डेंटिस्ट हैं, इस्लामाबाद में भी रहती हैं, फ्यूचर में सदर पाकिस्तान बनने का कोई इरादा है? नहीं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले पाऊंगी। यू हैव अ प्रिटी फेस, आपने कोई मूवीज या ड्रामास के बारे में नहीं सोचा? सोचा है बहुत बार एक्चुअली। मैं ना थोड़ा सा डरती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, आई एम फ्रॉम अब्दाबाद एंड आई कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता इधर तक तो मैं ले आई हूँ कि मॉडलिंग अलाउ कर दें। वो भी डरते हैं, मेरी भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, आई एम अ बिट ऑफ एन इंट्रोवर्ट। तो अभी हो रहा है थोड़ा बहुत, बिकॉज आई डिड गेट अ फ्यू ऑफर्स अभी रिसेंटली। मुझे लगा स्कैम है, अभी वो हंजा में शूटिंग कर रहे हैं। वो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई, बट आई थॉट कि इस बार आई विल गो बिकॉज आई लव हंजा, आई गो देयर ट्वाइस अ ईयर, तो मैं थोड़ी उस वजह से भी हैप्पी हो गई। लॉन्ग टर्म प्लान में मैं सोचती हूँ बट नॉट एज अ प्रोफेशन। अली लोगों को लगता है मॉडलिंग आसान है और एक्टिंग बहुत मुश्किल है, आपका क्या ख्याल है? देखिए मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी 2015 में, वो तो हुंदी नहीं सी। इन्होंने चाबी भाई कर 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 इन्हों तकरीबन सर्दी सी 2.5 घंटे लगे मॉडलिंग स्टार्ट कर लगे। 3-4 बंदे ने मॉडलिंग धक्का लाया फिर कि जाके स्टार्ट। अच्छी रैम मॉडलिंग करते हैं। अच्छा आप देखती हैं? चलो सालों से देखती आ रही हूँ। इतने सालों से की ये ना कह देना कि मुगले आजम ना मॉडलिंग कर दे। 2015 मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी, और जब मॉडलिंग स्टार्ट की थी मैं वैसे कह रहा हूँ कि आई वॉज नॉट गुड इनफ फॉर द रैम मॉडल और मॉडलिंग, बिकॉज आप वक्त के साथ ग्रूम करते हैं, आप चीज़ें सीखते हैं। मॉडलिंग मुश्किल है लेकिन एक्टिंग बहुत मुश्किल है। आपने मूवी भी की थी जिंदगी मैंने जी, हाँ जी वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था सरमत के साथ, एंड दैट वाज ग्रेट एंड द फीडबैक वाज ग्रेट और एप्रिसिएशन बहुत मिली थी। हाउ वाज द ट्रांजिशन? टू बी ऑनेस्ट मैं मॉडल बन के गया था, तो मैं जो अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा था कि मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा सिर्फ अच्छा दिखना है, वो एक्टिंग जो होती है वो, लेकिन जब कहानी सुनी और फिर उसके अंदर मोर डिग इन, तो वो एक करेक्टर था वो जो मैंने प्ले करना था, बिकॉज मैं हूँ पंजाबी और आज से तकरीबन 4 साल पहले मेरा जो एक्सेंट था वो काफ़ी झलकता था पंजाबी का, शायद उस वजह से सिलेक्ट हो गया था। फिर उसके बाद एक्टिंग सरमन ने बहुत सिखाई, बहुत एक्टिंग सिखाई, और आई थिंक आई डिड गुड। अगर आप किसी ने मूवी देखी है तो नहीं जबरदस्त, उसके बाद ड्रामास भी किए मैंने, बट मॉडलिंग मैंने कभी नहीं छोड़ी। मॉडलिंग नहीं छोड़ी, वो आपका बनता भी नहीं है छोड़ना। हम ऑडियंस का क्वेश्चन लेंगे। जी कौन पहले पूछना चाहेगा? जी भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हुसैन है और मेरा सवाल जो है तानिया मैम से है। मैम कहती हैं कि लड़कियां खूबसूरत हों तो वो बदीद हो जाती हैं, क्या ये बात सच है? वाह बड़ा अच्छा सवाल है, दुकान भी सवेरे खोलनी चाहिए। मगर व्हाट्स योर नेम? अली। अली अली, अच्छा नहीं अभी तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट अल्लाह ने हम सबको बनाया है, कोई अगर हम्बल नहीं है तो वो या तो उसमें एक अपना ही गुरूर है या उसकी अच्छी परवरिश नहीं हुई, बट अगर आप एक नॉर्मल अच्छी फैमिली के इंसान से मिले वो प्यारा है या वो प्यारा नहीं है, इससे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वाह बड़ा सवाल कीता मेरे भरा ने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली और मेरा क्वेश्चन मैम तानिया से है। मैम तानिया, जैसा कि आपका अपना भी कपड़ों का ब्रांड है, दूसरे ब्रांड्स को प्रमोट करते हुए आपको कैसा लगता है? बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन विद देम। आई यूज टू थिंक दैट वे कि लोग बुरा ना समझें, बट मैंने खुद ही ये रिफ्लेक्ट किया कि आई लाइक प्रमोटिंग अदर ब्रांड्स। पाकिस्तान का है, मेरे ब्रांड से उनकी रोजी नहीं लिखी, उनके ब्रांड से मेरी नहीं लिखी, सो यू नो इट्स फॉर एवरीवन, सो आई एक्चुअली गेट हैप्पी। लेकिन माशाल्लाह आपने जो मफलर पहना है वो कड़ी रेडी का ब्रांड है। करते क्यों हो तुम? मुझे एक बात बताओ, सड़ता है इस करके कि तुसी भी उसे रेडी तो ले आ। अगर अगर हमने पहन लिया और तुम ये बर्फानी तोदे वाली जैकेट पहन कर आ गए हो आज मेरे बॉस ने को बोले क्यों सर बोल ही नहीं सकते, क्या हुआ इसको? दांत में दर्द है सर। ओ अच्छा, वो तो रात को मैं सो रहा था, इतनी चीखें इन्होंने मारी, इतनी चीखें इन्होंने मारी। अच्छा, मैंने समझा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बाहर आई। वो तो मैंने जाके देखा तो हल्के हल्के दांत में दर्द था, तो मैंने कहा दिखाएं जरा। इन्होंने मुंह खोला, मैंने ऐसे करके देखा, अंदर इतना अंधेरा
सर मैंने कहा भी अब अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा। फिर मैंने वो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर बांधा, एक रस्सा लिया, ठीक है, और साथ मैंने स्विमिंग वाला सूट पहना, ओके, दांत के साथ मैंने रस्सा बांध के फिर मैं नीचे उतरा। अच्छा। हाँ। वो फिर मैं जब नीचे उतरा तो सर वो कीड़ा था ही नहीं। अच्छा। सर ऐना कोंडा था। बल्कि खाली ऐना कोंडा नहीं था, उसका पूरा खानदान अंदर सर खाने पक रहे, देगें पक रही, उनके मेहमान आए हुए थे। तो मैंने कहा भाई इतने लोग आप इनके मुंह पे बैठ गए, कहने का हम तो अंदर कॉलोनियां बना रहे हैं। हाँ, फिर मैं बाहर निकल के फिर मैंने हल्की सी अब मेडिसिन कुछ कहना, बहुत दर्द हो रही, मेरे को बोले नहीं जा रहा है। तो इसको कोई डॉक्टर वगैरह पे लेके जाना था। डॉक्टर का इन्होंने मुझे बताया कि आपके यहाँ कोई डॉक्टर डेंटिस्ट आए। हाँ, हमारे पास तो आई हुई है तानिया, आई हुई है आज। हाँ, वो तानिया, डॉक्टर तानिया। देख रहे गुफ्तगू करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन वो दांत में जो दर्द है, दांत आड़े आ रहा है। वो तार मैं कहता जी पहले मेरा तारफ कराओ। ए, इनका नाम है वजन बिन जर्रा। शेख वजन बिन जर्रा। शेख वजन बिन जर्रा मिडिल ईस्ट से हैं। और मेरा नाम है असफर बिन बड़ाई। अली भाई परेशान हो गए, पता नहीं ससुराल वालों आ गए ने। आपका ताल्लुक मिडिल ईस्ट से? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मालूम आ रहा है इधर। मैंने कहा फोन जा। क्यों भाई, मैंने इलाज करवाना है आपका। ना ना अल्ली आ जाए बिल्कुल रहूं। कहना जी गुम हो गई मेरी दर्द आपको देख के। नहीं, डॉक्टर का ये तो होता ही है। हाँ। जी डॉक्टर के पास जाओ, आधा मरज तो वैसे ही ठीक हो जाता है। आप अगर चाहें तो हमारे खानदानी डेंटिस्ट बन जाएं। फीस बहुत, पैसे की कोई गल नहीं, साढ़े को बहुत है कि नहीं। वो तो हमें पता, डेंटिस्ट बहुत महंगा होता है, आपको पता नहीं। मैं भी मालूम नहीं ना। कहने तो आपको मेरे बारे में पता नहीं है। तो मैम आप मुश्किल इनके बनेंगे वो फैमिली डॉक्टर, उसके लिए आपको इस्लामाबाद आना पड़ेगा। क्या हुआ है? कल मर रहा था। जो तुझे हरकत की थी ना, नौकरी तो भी मैं निकला था प्रोग्राम चो नहीं। क्या बोल रहा है वो? कह रहा है कि मुझे ना बोला मुश्किल से जा रहा है, लेकिन आप इनसे बात करें और गल माशाल्लाह बहुत सोने कर दे। आप लोकेशन हमें सेंड कर दीजिएगा। आप अपनी लोकेशन सेंड कर दीजिएगा। इनको पेन जो है ये अपने जहाज पर आएंगे। ज्यादातर जहाज पे रहते हैं। आपके वहाँ पे हेलीकॉप्टर के लैंड होने की फैसिलिटी है क्लिनिक के आसपास? कोई खाली ग्राउंड छप्पड़ कोई हो? जहाज नाल लैके आंदे ओ, पेट्रोल पाउण वास्ते गया है। हाँ, कहना भी तेरा मुंह है जिस तरह पतीला। उधर घर जो है आपके लिए खुली जगह पे हम बना के देंगे और उसके ऊपर हेलीपैड बनाएंगे, जब इलाज के लिए आएंगे तो हमारी आसानी होगी। घर है मेरे पास, आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही उनसे बात करके उधर। वो कह रहे हैं एयरपोर्ट के करीब ही घर है। माशाल्लाह, माफी मुश्किल। उधर आप जहाज उतारे, दांत की दवाई लें खाली, और उधर से बैठ के निकल जाए। माफी मुश्किल। उन्होंने पूछो वो कल माफी मुश्किल। अच्छा सॉरी, वो कह रहे हैं उनसे मुझे भी डील डालना है। उन्होंने पूछो वाला पार्ट में समझती हूँ। वो मालूम क्या बना खराब। वैसे एक्चुअली इफ यू डू विजिट हर इन इस्लामाबाद, इट्स नॉट जस्ट कि आप अपना दांत करें, बाकी भी बहुत से आपके लिए उनके पास इंजेक्शन वगैरह होंगे, फैट रिडक्शन, देन फेस एस्थेटिक्स,
शी कैन डू अ लॉट टू योर, वैसे डू यू थिंक कि इनके पास है काफी मार्जिन काम करवाने का? मार्जिन है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप बहुत एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, तो पहले हम उस पे बात करेंगे। आप उसको मिट्टी डालें इनके लाइफस्टाइल पे, लेकिन पहले मैं डॉक्टर के पास लेके गया हूं, वो जो उन्होंने इंजेक्शन लगाया था ना उसमें 6 सुइयां टूटी थी। बर्फ फूटने वाला सुगा ला लेना है। नहीं, हमारे पास बड़ी वाली भी है, हम कर लेंगे। पैसों वाला भी है, पैसों वाला इंजेक्शन बड़ाई तो टेंशन ना लो, उनको बकरी वाला भी है। सारी कारवाई की ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਹ ਸੀ ਨਿਰਗੋਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਈ ਮਸਨੂਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੇ ਲੂਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲੂਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਮਕ ਸਾਲਟ। ਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ, ਸੱਟੋ ਲੂਣ, ਇਸ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਸੱਟੋ ਲੂਣ, ਉਹ ਨਮਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਲੂਣ ਸਟਿਆ। ਓਏ 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 ਓਏ, ਕਿਹਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ, ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਤਰੇ ਕੁਤਰੇ ਕਿਧਰੇ ਪਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੌਸਮ ਲਖਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਲਖਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਪਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਓਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅੰਡਰ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਮਟ ਹਲੇ ਗਿੱਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ, ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਗੋਲੀ ਏਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਨੂਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਕਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਲੇ ਉਹ ਵਾਰ ਸੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਸਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਜੈਸੇ ਆਪਕੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੈਸੇ ਆਪਕੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਯਾਰ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਈ, ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਕਿਧਰੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਰੋ ਬਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੀਰੋ ਔਰ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਔਰ ਐਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਬਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰਾਈਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਈਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ।
यार महंगे बड़े ने। लेकिन जो मर्जी होवे मैं तो नरगोली जिड्डा दलेर अफसर मैं नहीं वस भाई दा दादा अली भाई जी। पुलिस मुकाबला आ रहा है तो डाकू उन्होंने जाके कह रहे हो ना लड़ो किसी को सट लग जाएगी। मेरी मजबूरी हैगी सी वो लंघते टपते ना मैनू भी चपेड़ मार दे। मैं क्या लड़ाई मुकाओ पिछू तो माशाल्लाह सुने कि भरजाई भी अजकल ड्रामे काम कर रही। कौन नहीं मैडम का भी एक ना है। अच्छा। डेंटिस्ट भी है ने। प्लास लैके आयो ए दंद मैं कड़ ये प्लास ना कर लो तो ठीक है नहीं तो टक्कर मार के मैं एडा तू ले ला पुत्र मेरी हले टक्कर वेखी नहीं है सारी कहना जाए सेल्फी भी दियो कहना है वीडियो यार बड़े प्यारे हैं। अच्छा। माशाल्लाह कद भी अच्छा है ते फेस भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह भाई मशहूर होने से मैडम कहना है वन सेल्फी विद यू बिकॉज माय सन इज नाउ इज अ ग्रैंड सन सॉरी वो मैं बाजी तो रूप पाने वास्ते अंग्रेजी बोली तो गलत बोल रही वेलकम बैक टू गपशप। तानिया जी आपको रिश्तेदार फ्रेंड्स वगैरह अपने चेहरे के बारे में पूछते रहते होंगे जब आप मिलती हैं उनसे डिस्पाइट द फैक्ट कि आप क्लिनिक में हैं या नहीं हैं। हां जी हर वक्त अब तो यही होता है डू यू गेट टायर्ड ऑफ इट दैट आई डोंट गेट टायर्ड ऑफ देयर हैज टू बी अ प्लेस फॉर इट आई मीन लाइक आई वाज ऑन अ वेडिंग 3 दिन से पिछले और 3 दिन से मैं यही कर रही हूं सबको बता रही हूं क्या करना है कैसे आना है आप आए मैं तो वेलकम करती हूं। रिपीटेड क्वेरी कौन सी होती है फॉर डार्क सर्कल्स एंड पोस्ट प्रेगनेंसी हाइपर पिगमेंटेशन जो यहाँ पे आ जाती है जो कि आई थिंक इट्स अ जेनेटिक थिंग मेरे फादर की साइड पे लॉट ऑफ वुमेन सफर दैट तो ज्यादातर मैं उसी के जवाब दे रही होती हूँ और बाकी बस अच्छा है कुछ ना कुछ पूछते हैं जो मैं हेल्प आपने कुछ पूछना है इनसे कुछ तो इस मुंह के लिए आप क्या कर सकती हैं कुछ नहीं हो सकता नहीं अली भाई थोड़ा डॉक्टर साहब आना कुछ पूछ ले शायद कुछ हो जाए जो ताड़ा कुछ हो गया तो साड़ा भी हो जाए नहीं सर आपको जरूरत नहीं है आप ठीक है ये तो मुझे जवाब ही है जी नहीं मगर एक आप ऐसी बात कर रहे हैं आपका दिल भी तो रखना है ना नहीं वैसे अगर आपको एक बहुत ऑनेस्टली मैं एक ओपिनियन दूं तो आपके पास फ्राउन लाइंस है आपके फोरहेड पे जो कि उम्र से गहरी ही होती जाती है तो लोग बोटॉक्स इसीलिए कराते हैं कि इसको रोक लें एक जगह पर कि मजीद गहरी ना हो तो एक वो चीज़ आप कर सकते हैं और लाइक आई सेड हाइफू आपके जॉ को जॉ ये है जबरा और हाँ तो सारी जिंदगी जॉ की रोटी खाती है सानू पता नहीं ये जॉ है ये डिफाइन हो जाएगा थोड़ा सा थोड़ा आपका खिंचा हुआ होगा इट विल गिव यू अ मोर स्नैच्ड अपीयरेंस नहीं मैं बस ये मेरी कमेटी निकल रही मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ आपके पास जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम निदा है और मेरा मैम तानिया से क्वेश्चन है आप गाने का शौक रखती हैं आपका पसंदीदा सिंगर कौन कौन सा है आई लाइक आतिफ असलम आई थिंक आसिम अजहर बहुत ऊपर आया एंड ही इज एक्चुअली रियली नाइस अली जफर इज रियली नाइस देयर इज अ न्यू गाय छोटे आई गेस रहीम नाम है उनका उनके गाने मुझे पसंद है हसन रहीम यस हसन रहीम आई थिंक इज डूइंग वेल अच्छा अली भाई कभी तुसी मॉडलिंग कर रहे हो तो बंदे ने कान चा के भाई जी थे तुसी मॉडलिंग करनी हो नाल दा हाल है ऐसा हो ही नहीं सकता क्या सेटअप सोचते हो पूरा रैम बना होता है इतने तामझाम होता है उसका क्या अच्छा लगा आपको इसे तामझाम जी क्वेश्चन कौन पूछेगा अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोजमा है मेरा क्वेश्चन सर अली से है मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग करना कितना मुश्किल लगता है एक्टिंग जो है ना बहुत मुश्किल है आपको सब्र चाहिए होता है उसके अंदर और खवारी बहुत ज़्यादा है एक्टिंग में एक तो आपको पेशेंस होना पड़ता है आप अगर आपको कॉल टाइम दिया गया सुबह 11 बजे का तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपकी 11 बजे ही शूट स्टार्ट होगा वो 3 बजे भी हो सकता है 4 बजे भी हो सकता है तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है मॉडलिंग में क्या होता है हमें एक कॉल टाइम दिया जाता है मेकअप का हम जाते हैं आधा घंटा या घंटा ऊपर नीचे हो जाता है और फिर शूट स्टार्ट हो जाता है लेकिन एक्टिंग इज ए कंप्लीट डिफरेंट थिंग आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है बल्कि जो ड्रामे की एक्टिंग करने मजा जाना शूटिंग से घर कह के जाना मैं हूँ कुछ बन के ही आवांगा ऐसे ही इतना टाइम लगता है टीवी की एक्टिंग जो है ना वो ज्यादा टाइम कंज्यूम सर टीवी की एक्टिंग थे अमेरिका की फ्लाइट हाँ नहीं समझ आई बिल्कुल जी कौन अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अलिशबा है मेरा क्वेश्चन सर अली से है कि आप एक्टिंग करते हैं तो एक एक्टर में ऐसी क्या चीज होनी चाहिए कि लोग उस ड्रामे या फिल्म में दिलचस्पी लें एक सोने की चैन होनी चाहिए बिल्कुल
स्क्रिप्ट बहुत मायने रखती है इस चीज़ के अंदर. स्क्रिप्ट स्ट्रांग होगी ना और एक्टर स्ट्रांग होगा तो आपका कंटेंट जरूर चलता है. लेकिन आजकल जो है वो कंटेंट ज़्यादा बना रहे हैं और स्क्रिप्ट जो है वो इतनी क्वालिटी वाली नहीं. मैं नहीं रहा. क्वेश्चन जी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीशा है और मैं आप दोनों को ये गाना डेडिकेट करना चाहूंगी. दिस इज फॉर यू. हंस खुलें तेरियां यादाने आ मिल सजना फरियादाने. हंस खुलें तेरियां यादाने सजना फरियादाने. मेरे दिदा सोना तक वेड़ा दर्दान ठिकाना लब्याए तो ना विछड़ के मिलियो चन सजना. असा सारा जमाना लबे आए तस्वीर बना के मैं तेरी. जबरदस्त. आपने गाया, आपने क्या सीखा हुआ है कहीं से? नहीं, मैंने सीखा नहीं है. जस्ट एज इट जो सिंगिंग होती है उसको सुनकर और उससे कॉपी करने की कोशिश. सुनने सुन सुन के ही आपने किया. ये एक बड़ा कमाल. आप भी आप लड़कियों की क्या सरपी है? मैंने भी सुन सुन के सुनते मगर ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो पिकिंग अप होती है, ये एक टैलेंट हमारे यहाँ पे इस खत्ते में वैसे बड़ा कमाल लेवल का है. और ये दिस हैपेंस इन साउथ ईस्ट एशिया. यहाँ पे स्पेशली हम ऑब्जर्वेशन के ऊपर, चाहे वो जनरल आवाज़ होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत सी चीज़ें हम ऑब्जर्वेशन के ज़रिए जो एक्सरसाइज करते हैं, मुझे लगता है वो इस खत्ते में बड़ा एक टैलेंट है उसका. बट ज़बरदस्त. ग्रेट ग्रेट. थैंक यू. थैंक यू. क्वेश्चन जी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सज्जाद है और मैं गाना सुनाना चाहता हूँ. आप भी गाना सुनाना चाहते हैं? सज्जाद, किसका गाना सुनाना चाहेंगे आप? मेहदी हसन का. मेहदी हसन साहब पे? ओहो, चले जी. चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है. चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है. हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है. राम अली साहब का गाना. मेहंदी हसन साहब उत्तर सुन रहे सर. शुक्र है मेरा हाथ नहीं पाया. कौन है जी? मेरा नाम नवाजल हक है जी. अच्छा जी. एक पंजाबी गाना पाकिस्तान. वाह वाह, क्या बात है. किधर गाना है? इंग्लिश मिक्स की थी पंजाबी गाना. वे मैं दिल तेरे कदमा ज रखिया. उस उदे तुसी इंग्लिश मिक्स करती? हां जी. चलो नवाज साहब सुनाओ. वे मैं हाथ तेरे फीट विच रखिया. वे मैं हाथ तेरे फीट विच रखिया. तू फीट टकाते सही. तू फीट टकाते सही. हाथ तोड़ेगा तो दे देंगी लाइफ. तू गो के वखाते सही. तू गो के वखाते सही. वे मैं हाथ तेरे फीट विच रखिया. तेरे लिए चढ़ा के आई हैं बैंगल सेवन कलर वे. कर दे बरोक जेन लग दियाँ गुड वे. तेरे लिए चढ़ा के आई हैं बैंगल सेवन कलर वे. कर दे बरोक जेन लग दियाँ गुड वे. हो केंदी तेनू कज ले दिलाइन वे. आइज विच चाती ही जरा मार वे. हेर योर लव वे. तू आइज मलाते से. तू आइज मलाते से. नवाज साहब, ये आइडिया आपको आया कैसे था ये करने का? ए सर जी, ये ब्याह शादियां अपने और भी मरे जोड़े गीत. अच्छा. मारे दिल से खिलौना टूट जाएगा उन्होंने भी बनाया.
अच्छा अच्छा हमारे हार से मत प्ले करो ये टाए टू जवानी च करते रहे गाने गुने मगर नहीं बड़ा जबरदस्त एंटरटेनमेंट का एक जबरदस्त समान है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤਾਨੀਆ ਆਪਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫੋਰ ਯੋਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਓ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫੋਰ ਯੋਰ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਅ ਡਾਕਟਰੇਟ ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਡ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਵਰੀਵਨ ਬਹੁਤ